हिंदी का लेक्चर है और हिंदी के लेक्चर में हम लोग छोटी कविताएं जो है सौहार्द सौमनस्य जो ये इसके जो कवि है रचनाकार है इसका नाम है जहीर कुरैशी। ये जो कवि है ये और जो सौहार्द सौमनस्य ये दोहा है, दोहे के माध्यम से हम लोग को लास्ट और फर्स्ट टर्म में हम लोग ने देखा कि जो हम लोग ने कबीर का दोहा हम लोग ने ये स्टडी की थी, अभ्यास किया था, वो क्या क्या था फर्स्ट टर्म में हम लोग ने देखा। अभी ये सौहार्द सौमनस्य ये कवि जो कुरैशी जो है वो हम लोग को क्या क्या बताया, प्रस्तुत दोहा कुरैशी जी ने बताया कि समाज में सौहार्द सौमनस्य मतलब समाज में उच्च नीच की भावना नफरत स्वार्थ आदि के दुष्परिणाम होते हैं बताते हैं, उनका परित्याग करके प्रेरणा देना चाहिए। कुरैशी का मानना है कि एकता ये भारतीय संस्कृति है कि शान है, एकता ही भारतीय संस्कृति की शान है। हमें भाईचारे के भावनाओं में से उन सबको व्यवहार करना चाहिए, एकता की भावना से सब हम लोग मिलजुल कर रहना चाहिए। इसलिए सौहार्द सौमनस्य ये कवि ने ये प्रस्तुत कविता का नाम है जिसके जो नफरत गुना है वो भूलकर हम सब एक हैं वही प्रेरणा सब भारतीय लोगों के मन में होनी चाहिए। जो उच्च नीच का जो भावना है वो भूलकर हम लोग एक ही है वही हम मिलकर एक साथ जो भावना है जो प्रेम है क्या है एक दूसरों को देकर बढ़ाना है और नफरत गुना हम लोग के अंदर वो बाहर निकालना है वही बताया है। ये प्रस्तुत दोहा है बच्चों। तो हम लोग जो ये कविता है पद्य संबंधी के बारे में पहले देखते हैं। प्रस्तुत दोहा जो है कुछ छोटे छोटे भेद मीठा ने स्वार्थ छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता अपनी देश की शान है, अंत में हम सब मिलजुल कर रहना चाहिए। हम लोग सब जब एक जो आप जो कविता में देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्या क्या हम लोग स्टडी करेंगे अभी, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते हैं, जो समाज में हम लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, हम लोग कैसा रहना चाहिए, ये सब हम लोग कविता में देखेंगे। तो हम लोग जो गद्य संबंधी हम लोग ने देखी तो हम लोग कविता की ओर देखते हैं। सौहार्द सौमनस्य जहीर कुरैशी तो कवि कहते देखो वो छोटा मैं बड़ा ये बातें निर्मूल उठकर सिर पर बैठती नीचे पैरों की धूल। देखो व्यर्थ की बातें हम कभी कहते हैं कि स्वयं को बड़ा मानते हुए एक दूसरे को छोटा मतलब मैं कौन हूँ बड़ा हूँ और दूसरा कैसा है छोटा है। हम लोग देखते हैं हम लोग की समाज में रहने वाले लोग कैसे देखते हैं, मैं खुद बड़ा हूँ मेरे से वहाँ कोई काम नहीं होता वैसे उनकी सोच रहती है बच्चों। तो छोटा हूँ मतलब हम लोग एक दूसरे के डिफरेंस देखते हैं क्या तुम लोग के पास है नहीं मेरे पास तो खुद कैसा है। जिनके पास हम लोग वैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे कि जिनके पास पैसा है वो समाज में कैसे रहे और जिनके पास पैसा नहीं वो लोग कैसे रहते हैं। तो ऊंच नीच हम लोग को डिफरेंस पता चलता है कि स्वयं बड़ा मानते हैं वो दूसरों को छोटा समझते। व्यर्थवादी है कि हम उनका कवि का मानना है उन लोगों का त्याग करना चाहिए, उनको देखना मतलब उनको छोड़ना चाहिए, जो भी उनके जो ऊंच नीच का वो डिफरेंस करते हैं वो सब भूल कर आप आगे बढ़ो वही कवि का मानना है। कवि हमें कभी उन कवि का मानना है कि इनका त्याग करना चाहिए, हमें कभी न कभी भूलना चाहिए कि जिस धूल को हमें पैरों से हम लोग जिस मिट्टी पे रहते हैं जब उठते हैं वही सिर पर हम बैठ जाते मतलब जब हम लोग कैसे डिफरेंस बताए देखो वो छोटा मैं बड़ा हूँ ये बातें निर्मल उड़कर सिर पर बैठती है नीचे पैरों की धूल। देखो कि हम लोग वही उनको बोलते थे कि हम आप कैसे हो छोटे हो बड़े हो वैसे डिफरेंस देखते हैं। वो कभी का मानना है कब छोड़ो
यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जिस धूल को हम लोग पैरों में रहते हैं जब उड़ते हैं तो सिर पर आकर बैठ जाते हैं, कि जब हम लोग चलते जो काम करते हैं जो कभी छोटे ही होते हैं बच्चों, तो एक दिन वो बड़े होने वाले हैं। जैसे उनके पास अभी आमदनी अच्छी नहीं है तो क्या हो जाएगा, जब उनका काम बढ़ेगा उनके पैसे बढ़ेंगे तो इफेक्ट है कि उनके जो सैलरी से जो बढ़ने वाली है, तो जो गरीब लोग है कभी ना कभी तो वो आगे बढ़ने वाले है, बराबर है। वो छोटा मैं बड़ा ये बातें निर्मूल निर्मूल मतलब निरंतर जो ये भूल कर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, उनका सिर पर बैठती है नीचे पैरों की धूल। जिस दिन धूल को हम पैरों से रोकते हैं जब उड़ती है तो सिर पर आकर वो बैठ जाते हैं। हम लोग भी उनको ये सब जो वो बड़ा आप छोटा है मैं बड़ा हूँ ये सब बातें त्याग कर मतलब भूल कर अब ये बार बार उनको टोकने की जरूरत नहीं है। दूसरा देखो स्टांजा ने क्या बताया, नफरत ठंडी आग है इसमें जलाना छोड़ो, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो। देखो घृणा या नफरत मतलब घृणा जो गुस्सा आता है ना एक ठंडी आग है, हम लोग को जब गुस्सा आता है घृणा आती है वो जो हम लोग के अंदर रहता है तो हम लोग को कभी हम लोग सोचते नहीं उस टाइम हम लोग को जो लगता है वही हम लोग करते हैं। ये घृणा नफरत जो है तो मनुष्य को क्या कर देती है, जलना। देखो जहाँ पे आग लगती है थोड़ी आग लगती है बाद में फास्ट फास्ट सबको जला देती है पूरा खत्म कर देती है। देखो आग कैसी रहती है, उनके पानी डालो उसके बाद वापस फास्ट फास्ट तेजी से आग देखो उसकी जो ज्वाला रहती है कैसी फास्ट फास्ट हो जाती है, बराबर है। तो वही ये नफरत है जो गुस्सा आपके अंदर जो ठंडी आग है वो क्या रहती है इसमें सब मनुष्य को जलना मतलब मनुष्य को बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मनुष्य हमेशा वो गुस्से में रहता है उसको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, बराबर है। ये घृणा बार बार मन में रहेगी तो वो कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो। जो नफरत करने वाले लोग हैं जिनकी घृणा या नफरत एक ठंडी आग है समान आग के समान है, धीरे धीरे वो सबको मतलब नफरत उनके अंदर रहती है, बराबर है। हम लोग के अंदर बार बार नफरत रहेगी गुस्सा रहेगा वो कैसी है आग की तरह बनता है कि जो सबको जला कर राख कर देती है बस पूरा कुछ भी नहीं बचता है। तो ये नफरत क्या करनी चाहिए छोड़ देनी चाहिए, वो अंदर हम लोग के अंदर हमेशा एक दूसरे के देखने का जो हम लोग का नजाना है वो कैसा होना चाहिए प्यार से होना चाहिए। हम लोग एक है वही भावना हम लोग के मन में होनी चाहिए और जला दिए देखो टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़ो। हमें नफरत को त्याग कर सबको प्यार से हमेशा प्यार एक दूसरे को बांटो तभी आप सब एक मिलकर सब कुछ काम कर सकते हैं, वही कवि का मानना है। बच्चों हमेशा नकारात्मक प्रभाव डालती है, देखो जो हम लोग के जो आप कैसे होते हैं कि हमेशा नकारात्मक जो हम लोग की दूर है हमेशा नकारात्मक जो कोई निगेटिव ही हो जाती है, बराबर है। तो घृणा हमेशा निकाल कर हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग हम लोग हमेशा करेंगे वही कवि का मानना है। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहो तो आप आगे जाके सक्सेस आपको मिलने वाला ही है, वही कवि हम लोग को बताया है। पौधे ने बांटे नहीं ना पूछ कर फूल, हमने ही खोले है बहुत स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ मतलब स्वार्थ स्कूल मतलब है जहाँ पे हम लोग एक संस्था जैसे रहती है स्कूल जैसे स्कूल मतलब स्कूल नहीं संस्थाएं की कोई संस्थाएं वैसी रहती है, बराबर है। तो पौधे ने बांटे नहीं नाम पूछ कर फूल। वैसे कभी हम लोग को देखते हैं क्या पौधा ये पौधा वैसा है ये गुलाब का पौधा है वो कभी बोलते हैं कि हम मेरा गुलाब का ही फूल वो फूल है जहाँ पे एक साथ मतलब
कभी जो सोचता है नहीं आज मेरे को नहीं करी पूरी है, मेरे को ऐसा ही रहेगा हमेशा, वो नहीं सोचता है उनका जो काम है वो हमेशा खुद का, मतलब जो भी काम है वो बोलते नहीं है मेरे को फूल क्यों आया, जो पौधा रहता है छोटा कौन सा भी पौधा रहने दो वो अपना काम करता है, बराबर है कली जो आती है वो फूल हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भोरे पर ना करे ये फॉर नेक्स्ट जो स्टैंड है उसमें आने वाले भोरों के बारे में तो कभी सोचता नहीं है, वो दूसरों को कैसा प्रज्वलित करे, दूसरों को कैसा खुश करे वही सोचता है। ये पौधों ने बांटे नहीं, नाम कुछ कर पौधों ने बांटा नहीं, ये मेरा फूल है ये मैं आप ले लो, ऐसा कभी नहीं बोलता है। हमने खोले बहुत स्वार्थ है इस फूल, लेकिन हम लोग मनुष्य कैसा रहता है, हमने खोले बहुत स्वार्थ के लिए, स्वार्थ स्वार्थ मतलब स्वार्थ, हम लोग कैसे रहते हैं, पौधे नहीं मानते ये मेरा फूल है आप क्यों लिया, बराबर है फूल बाग बगीचे में जाते हम लोग भी, हम लोग का ही पूरा बगीचा है, वैसे हम लोग क्या करते हैं बीच का एक अच्छा फूल दिखे कली दिखेगी तो हम लोग बीच में तोड़ देते हैं, लेकिन ये फूलों के बारे में हुआ बच्चों, लेकिन हम लोग की नीयत कैसी है, मनुष्य की नीयत कैसी होती है, हमने खोले है बहुत स्वार्थ के लिए इस फूल, हम लोग ने कैसे खोले स्वार्थ के लिए, हम लोग का खुद ना खुद कुछ ना कुछ तो स्वार्थ रहता है कुछ करने के करने के लिए, बराबर है। तो कभी क्या मानना है आप क्या करो उनको तोड़ दो, वो आप आगे जाओ और हम लोग दूसरों के बारे में सोचो, स्वार्थ के बारे में सोचना भी आप गलत बात है, आप आगे जाके कुछ करो, ये स्वार्थ ये छोड़ दो और आगे जाके आप सक्सेस हो जाओ। देखो नेक्स्ट स्टांजा में क्या बताया है, न धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। देखो भारतीय संस्कृति हम लोग की, बराबर है भारतीय संस्कृति के हम लोग शान है ना कुछ, तो धर्म अलग है हम लोग के, धर्म अलग है भाषा हम लोग की अलग है फिर भी हम सब एक है, विविध रंग करते नहीं इनको कभी हमको अब कभी अनेक, विविध रंग करते नहीं हमको अलग, विविध रंग है जो इसके बारे में क्या बताऊं मैं स्टांजा में है उसके जो जो स्पेलिंग है ये हम लोग अब तो मैं सेकेंड स्टैंडर्ड से हम लोग कर रहे कि भाषा अलग है हम लोग की, बराबर है धर्म अलग है फिर भी हम एक है, विविध रंग करते नहीं हम सब जब एक ही है तो हम लोग एक ही है, जो बोलते हैं वैसा हमेशा करो, जो हम लोग जो दिया गया है वही नहीं जो हम लोग बोलते कि धर्म अलग है जात अलग है, बराबर है इसके बारे में बहुत पढ़ो, जो एक है धर्म अलग भाषा अलग फिर भी हम लोग एक ही है वही कवि का मानना है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर